सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा भाई आ चुका है एक नई मस्ती एक नई उमंग के साथ डे 10th ब्लॉक पे। और कैसे हो सब? सो भाई ब्लॉग नहीं बनाने देते भाई, सब जलते हैं मेरी सक्सेस से, जलते हैं जल्दे डिस्टर्बेंस करते रहते हैं मुझे गाइज। तुम्हारे लिए जो मैं नया नया कंटेंट लेके आता हूँ ना, उसमें रुकावट है ये सब। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपकी? सो भाई अपन लोग आ चुके हैं कॉलेज, और सुबह सुबह उठ के कॉलेज आने में जो फील है ना, वो है नहीं कहीं भी। मैं आज एक लेक्चर लेट हूँ गाइस, तो इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ कि वो लेक्चर कब खत्म होगा, दूसरे टीचर आएंगे तो एकदम क्लास में चला जाऊंगा। तक के लिए देखो, ये रहा मैं, ये रहा तुम्हारा भाई शिष्टा शिष्टा भाई शिष्टा टोरा है टोरा मेरा। तो भाई मैं तुमसे मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में। यार दो जीने चढ़ने पड़ते हैं, दो फ्लोर चढ़ने पड़ते हैं, तो सांस फूल जाती है भाई। मिलता हूँ मैं तुमसे थोड़ी देर में। A few moments later. सो भाई यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट का मैच। ये रहे हमारे प्रतीक भाई और ये रहे हमारे दूसरे प्रतीक भाई। हेलो ब्रो। और इधर की साइड अगर तुम्हें दिख रहा हो तो इधर की साइड देखो, वॉलीबॉल का मैच चल रहा है और यहाँ पे बॉल गई है और ये और ये और ये छक्का। ये वाला अच्छा, ये नहीं खेलता तो अच्छा है भाई ये क्रिकेट, है ना प्रतीक भाई? अरे प्रतीक भाई अभी कॉलिंग वॉलिंग लगे हुए भाई, पर खेलता अच्छा भाई हमारा प्रतीक ब्रो, अच्छा खेलता है। और छक और सेट। और भाई ये रहा मैं, हैंडसम सा लौंडा कॉलेज में, और ये रहे हमारे दोस्त मीनवेल मी, जिसके पास बाल ही नहीं जो हाथ से अपना फ्लेक्स कर सके। फ्लेक्स भाई, मेरे पास बहुत बाल है भाई, शिष्टा शिष्टा। एवरीबॉडी लाइफ इज नॉट सेम ब्रो। ये है बॉल, ये हमारे प्रतीक भाई खेल रहे हैं। खेल तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा भाई, खेलता हुआ नहीं यार, अच्छा खेलता है ये बात रियलिटी है, खेलता तो अच्छा है भाई। देखो जाके आगे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लग जाएगी। और ये आई बॉल, ओ क्या प्लेसमेंट, क्या ही प्लेसमेंट दी है, लगता है अभी अभी ये आगे आगे तुम फिलअप खुद कर सकते हो। जैन सैफी वाले फैन हो। गया गया गया, फट गया भाई, फट गया शिष्टा भाई शिष्टा। डर लग रहा है इतना तेज फेंक। सो भाई यहाँ पर देखो ऐसे चलता रहता है, कॉलेज आओ और कभी जब तुम्हारा मन नहीं करे बैठने का या कहीं भी क्लासेस वगैरह अटेंड करने, तो यहाँ पे आके खेल सकते हो तुम। यहाँ पे प्लेग्राउंड्स भी हैं हमारे कॉलेज में, या गाइच। और ये कुछ तो खेल रहा बस, कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको कि विराट कोहली बोलूँ, पर बोलना नहीं चाहता विराट कोहली की बुराई हो जाएगी। तो कैसा लगा प्रतीक भाई आपको वहाँ पे नेट पे हकते हुए? मैं फोन कर, मैं खेला तो अच्छा था भाई, फोन नहीं फिर दिख रहा। अरे दूर का मारो भाई, ये कि आगे फेंका तो उसने सामने। कैसा लगा ये बताओ तुम? पर अच्छा खेले तुम, गुड 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 गुड। एक तो भाई ये देखो, मेरा फोन है साले। ये प्रतीक भाई है, ये प्रतीक भाई है, तो यहाँ पर जाते हैं बंदे कंफ्यूज कि कौन से प्रतीक भाई कौन से हैं। ठीक है, शुरू शुरुआत में मैं भी कंफ्यूज होता था जब फोन आता था दोनों का, पर अब ठीक है, अब नॉर्मल आदत पड़ चुकी है। तो भाई मिलता हूँ मैं तुमसे अभी थोड़ी देर में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, लव यू गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहो, टाटा। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आपकी? और भाई अब चल रहा है प्रतीक वर्सेस प्रतीक तो अब देखते हैं कौन जीतता है। और ये यहाँ पर प्रतीक भाई की बॉल ऑफिस पे, ओ क्या बात है भाई, प्रतीक वर्सेस प्रतीक चल रहा है यहाँ पर, दोनों एक नाम के बंदे एक दूसरे से पंगा लेते हुए। और फिर से दूसरी बॉल, ओ हो 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 हो, गेंद इसी फायर। यहाँ से प्रतीक भाई, ओ हो हो हो, यहाँ पर एक प्रतीक दूसरे प्रतीक को चढ़ाता हुआ चिढ़ाया जा रहा है भाई, शिष्टा हो रहा शिष्टा। ओह माय गॉड, वाओ।
सो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है रूम्स पर वापस कॉलेज से, और भाई आज बहुत ज्यादा मजे की, बहुत ही ज्यादा। कभी क्रिकेट तो तुमने देख ही लिया होगा भाई, मजा आ गया आज। लेक्चर यार फ्री था तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, क्रिकेट ही खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या ही जा रहा है अपना। तो भाई इस वजह से अब मैं क्यों बताऊं कि मैंने मास बंक मारा था, पर मतलब मैंने नहीं मारा था यार मास बंक, तो देखो पूरी क्लास मारती है। तो सबका प्लान बना कि भाई हम मास बंक मारते हैं, तो हम ग्राउंड में जा रहे थे। अब हमारे जो प्रतीक भाई थे उनको था क्रिकेट का शौक, जिसको कह सकते हो तुम। तो उसने जो है क्रिकेट खेलने के लिए कहा कि भाई अभी 1 घंटा बचा हुआ है तो आराम से क्रिकेट खेलते, क्योंकि हमारा 1 लेक्चर 1 घंटे का होता है। तो मैंने कहा हाँ यार चलो खेल लेते हैं। तो भाई वही खेला था। अपन तो भैया सीधा साधा लौंडा है, हम तो ब्लॉग में बिजी रहते हैं अपना कंटेंट लाने के लिए। ये देख रहा हूँ मेरे वो इंटेंशंस देख रहा हूँ मेरे की, कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्रिकेट नहीं खेला आज मैं, मैंने क्या कहा सिर्फ भाई मुझे अपने दोस्तों को, मुझे अपने भाइयों को कंटेंट देना है, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा तुम खेलो। भाई अब तुम्हारे भाई को है सिर्फ एक चीज का इंतजार, हमारे रूममेट्स कब आएंगे, हर्ष भाई चौबे भाई कब आएंगे, इस चीज का इंतजार है। लेट्स चेक, चेक करते हैं कितनी देर बाद, क्योंकि आज वो भी कॉलेज गए हुए हैं। वाओ चश्मा गिरता रहता है मेरा, मेरा तो सारा सिस्टम ही गला वाला हो गया दोस्त। भाई देखो कुछ भी कहो, लेटने में जो मजे हैं, जो फील है वो कहीं नहीं है। यार मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ मुझे भी कभी पता नहीं चलता भाई, ठीक है। मेरा मन करता है कि बात करता रहूँ, कुछ भी बोलता रहो भाई, जो जो मन कर रहा बोलते रहो, यही तो होते हैं लोग, और क्या होते हैं, जो जिसका जो मन करे, जो मुंह में आया बोल दो बस खत्म बात, चाहे मतलब हो या नहीं हो। मैं खुद को भी कह रहा हूँ कि जो मन, जो दिख रहा है ना कंटेंट, बस जहाँ कुछ हो रहा है, हलचल भी हो रही है थोड़ी सी हलचल भी, वहीं कैमरा। वरना मुझे तुम ये बताओ कोई मतलब है मेरा ऐसे लेट के वीडियो बनाने का, कोई कोई भी मतलब होता, कोई उठता है मतलब कि कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ लेटा हूँ, यही तो है ब्लॉग और क्या है। कैमरा तुम्हारे हाथ में है, बोलना तुम्हारे मुंह से है तुम्हें, भाई कुछ ना, जिंदगी कुछ नहीं है दोस्त जिंदगी। मैं पागल हो चुका हूँ ठीक है, मेरा दिमाग हिल चुका है, मेरा मानसिक संतुलन हिल गया है आज। मैं होता है मेरे साथ से दो रोरे पड़ते हैं मुझे, जब ज्यादा खुश हो जाता हूँ ना मैं, ज्यादा खुशी आ जाती है मेरे अंदर से, अंदर अंदर दिल से ऐसे निकल के आती है ना खुशी, पागल उगल होने लगता हूँ मैं, दौरे पड़ने लगते हैं, दूर रहूं उससे। नहीं भाई शादी भी न होगी यार मेरी, समझ नहीं रहे तुम, नहीं समझ रहे हो ना वो चीज, शादी नहीं होगी फिर मेरी अगर मैंने ऐसे कह दिया तो। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम मेंटली स्टेबल, टोटली मेंटली स्टेबल। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो भाई आ चुके हैं हमारे चौबे भाई रूम पे, और हमारा इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है, हमारा आखिरकार इंतजार खत्म हो चुका है। ये हेलो गाइज, आते के साथ ही उस फोन पे लगना है इस बंदे को, ये बंदा बात नहीं कर सकता है, फोन के बिना कुछ नहीं है तुम्हारा, अस्तित्व ही नहीं है फोन के बिना भाई, आज के जमाने में भाई सब फोन ही सब कुछ है, नहीं टेक्नोलॉजी के बिना अस्तित्व नहीं है हमारा दोस्तों। तुम्हें लगता होगा कि मेंटली अनस्टेबल हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं है, मैं वो मजाक कर रहा था, मन कर रहा था मेरा ऐसी थोड़ी बहुत बकचोदी करने का, इसलिए बोल दिया आई एम मेंटली फिट एंड स्टेबल। ओके गाइज क्या हो गया, क्या हो गया, ये तो डर गए मुझसे दोस्त भाई, ये तो रूम छोड़ के जा रहे हैं। अबे रुको, तो हमारी हो चुकी है अब इंतहा की घड़ी खत्म, क्योंकि हमारे हर्ष भाई भी आ चुके हैं अब रूम पे। हर्ष भाई जरा भी बाहर खड़े हैं, अभी दिखाते हो, रुक जाओ शिष्टा भाई शिष्टा। ये इंतहा हो गई इंतजार की, बर्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, एकदम फील में आज वो गाने सुनने के। तेरा चैनल मेरे वजह से चल रहा तू ही है मेरा कंटेंट दोस्त, अरे कैमरा आगे क्यों नहीं हो रहा यार, पागल हो गया। सो भाई अब आ चुके हैं हम तीनों रूममेट साथ में, अब होगी बकचोदी, अब हमारा हो चुका है इंतजार की घड़ी कम। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, लव यू गाइस।
सो भाई रात के बज रहे हैं 2 और तुम्हारा भाई निकल चुका है कुछ खाने के लिए। मैं क्या निकल चुका हूँ, चोबे भाई भी हमारे साथ। पर अभी चोबे भाई का ये सीन है कि शुरुआत में मुझसे बोल रहे थे कि चलो, तो हम कुछ ढूंढने में बिजी थे, तो इस वजह से हम चोबे भाई के साथ नहीं जा पाए। तो हमसे थोड़ा सा गुस्सा होकर चल दिए हैं। और भाई ये चीज़ ना सिर्फ वो बंदा जान सकता है जो रात में जागता है ना, कि भाई रात में कितनी तगड़ी वाली भूख लगती है, गंदी वाली इसको बोल सकते हो तुम। भाई वही हाल हो रहा मेरा इस समय, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गंदी वाली भूख, और चोबे भाई को भी हमारे भूख लग रही है। तो हम सोचे कि पीछे की साइड ना एक शॉप है जो 24/7 खुलती है, 24/7 नाम नहीं है ठीक है, खुलती है बस वो 24/7। तो हमने सोचा कि यार वहीं चलते हैं, कुछ खा पी लेंगे। और भाई मतलब गंदी, एक तो ठंड हो रही है यार गंदी वाली, ठीक है, तो मन भी नहीं कर रहा था, पर कैसे ना कैसे करके मन बना के हम आए हैं यहाँ पे। A few moments later, भाई लोग हमको चोबे भाई मिल चुके हैं हमारे, ठीक है। और ये देखो एग रोल खा रहे हैं। मैंने से कहा खा लो भाई, खा ही नहीं रहा मैं, क्या करूं। मुझे दिया भी नहीं जा रहा है दोस्तों, तुम समझ रहे हो दोस्त, मेरी मजाक बनाई जा रही है भाई। तुम्हें लग सकता है मैं से नहीं दूंगा, अपने बेटे को नहीं दूंगा, मैं साले को दे रहा हूँ, कह रहा है भाई मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, बोले नहीं दे रहे थे भाई, नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती मांगनी पड़ रहा है मुझे। तो तुम चिकन वाले खाते नहीं हो, मैं क्या करूँ भाई। अभी भाई नॉन चिकन है तो मत खा भाई, जाने दे। नहीं नहीं ये नॉन चिकन नहीं है भाई, मैं तुझे कह रहा हूँ तो दे दूंगा, खिला रहा था तो खाया नहीं भाई, मेरी गलती थोड़ी है इसमें, पागल है। देख रहा हो एक रोल के पीछे दोस्ती दिखा दी, दोस्त ने रोल ना देखे अपनी औकात दिखा दी। आन कति बान कति कानी काट तू, ओ ले ले ले, सच बोल दे भाई। नहीं लूंगा लास्ट। तुम्हें तारीफ करा मेरे दोस्त का, तुम्हें पता ढूंढते आया हूँ वहाँ से। जब मैं तुझे बोला चल ले मेरे साथ, तब तो क्या कहा भाई, ठंड लग रही है, मैं नहीं जाऊंगा भाई, ठंड हो रही है। A few moments later, भाई लेकिन एक बात तो है, रात में घूमने का मजा तो है चोबे भाई, बिना बुलेट के भी कभी कभी निकल लेना चाहिए। देख रहा अमीरी आ रही है मुझ पर, अमीरी है ना, एटीट्यूड आ गया मुझ में, अब मैं अमीर हो चुका हूँ ना, एटीट्यूड आ गया मेरे में, एटीट्यूड। पर भाई जैकेट जाने पहचाने क्यों लग रही है जैकेट? अबे ये जैकेट बहुत सही लग रही है भाई, ये गायब करने वाला हूँ मैं, किसी बंदे की है, कोई है, मैं हूँ गाइस, मैं हूँ। कोई है, ये नहीं है, ये घंटा नहीं है, ना 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 ना, किसी की भी हो गायब तो है भाई। ये जैकेट अच्छी लग रही है, सूट कर रही है। एक तो इसकी सबसे खास बात ये है कि ठंड नहीं लगती इसमें, समझे गाइस? भाई ब्रांड पहनोगे ना ठंड नहीं लगती भाई। देखो अरे फैंस, माय फैंस, ये फैंस ना बकचोदी करते रहते हैं मेरे सामने, माय फैंस, आई एम अ रियल ब्लॉगर। या अबे वो चीज काट देना, कौन सी वाली? सो भाई अब तुम्हारा भाई जा रहा है सोने, और आज की मस्ती होती है यहीं पे खत्म। मैं तुमसे मिलता हूँ कल एक नई मस्ती, एक नई उमंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस एंड गुड नाइट। और ऐसे सपोर्ट करते रहो, तुम्हारा भाई रोज कंटेंट लाता रहेगा। बाय बाय, लव यू गाइस, गुड नाइट।